सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होगे और काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। पहले तो गाइस आप सभी को तहे दिल से सॉरी, आप सभी से मैं माफी मांगना चाहता हूँ, दिल से माफी मांगना चाहता हूँ गाइस कि अब तक मेरी व्लॉग वीडियोस क्यों नहीं आ पा रही थी। आखिरकार क्या रीजन था जिसकी वजह मेरी व्लॉग वीडियोस नहीं आ पा रही थी? तो देखो गाइस, लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जिसकी वजह से हम अपने अपने को भी अपने जो लोग होते हैं गाइस उनको भी टाइम नहीं दे पाते, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है। वैसे ही सेम सीन आपके साथ भी हो गया, मतलब कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाया। मतलब तो गाइस सबसे पहले मैं अपनी बात क्लियर कर लूँगी, ये जो वीडियो होने वाली है ये गाइस शॉर्ट वीडियो होने वाली है, व्लॉग वीडियो नहीं होने वाली। मैं आज जो है व्लॉग वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज एक फिलहाल एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। ऐसा समझ लो कि गाइस ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है। मैं पिछले 10-15 दिनों से व्लॉग वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था, आखिरकार क्या रीज़न है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ? तो सबसे पहले तो गाइस आप सभी से पहले दोस्त वापस से वन सेकेंड सॉरी, वापस मैं सॉरी कहना चाहूँगा आप सभी को। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस सबसे पहला जो रीज़न है गाइस वो है मेरा डेली शेड्यूल। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब से मेरी स्कूल ओपन हुई है, जब से मेरा एक व्लॉग आया है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर वेकेशन, तो उस दिन से लगा कि जो है अब तक मेरे व्लॉग वीडियोस आना धीरे धीरे कम हुआ। पहले तो चलो फिर भी आते थे, उसके बाद से जो है फिर मैं धीरे धीरे व्लॉग वीडियोस आने कम हो गए। सबसे पहले मेरा रीज़न ये है कि इस साल जो है मेरी 12th क्लास है, 12th बोर्ड है और लास्ट ईयर ऑफ माय स्कूल लाइफ। तो 12th बोर्ड तो यार आप सब लोग जानते हो कि कितनी हार्ड होती है। फिर उसके बाद से जो अपना करियर स्टार्ट होता है एज अ कॉलेज लाइफ ऑल्सो, कॉलेज स्टार्ट हो जाती है, कॉलेज की स्टडी स्टार्ट हो जाती है। 12th क्लास के ऊपर मेरे को ध्यान देना बहुत ज़रूरी भी है। तो बस उसी शेड्यूल के हिसाब से जो मैं व्लॉग वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक तो देखो गाइस सबसे मेरा जो डेली शेड्यूल रहता है वो कैसे रहता है कि मैं सुबह उठता हूँ, सुबह 7 बजे की मेरी स्कूल होती है, 7 बजे से लगा के दोपहर के 1 बजे तक स्कूल होती है। फिर बीच में जो मेरे को टाइम मिलता है 1 से लगा के 3 बजे तक। तो गाइस जो 1 से लगा के 3 बजे तक का जो टाइम रहता है वो 2 घंटे का ही गैप रहता है। बस 2 घंटे के गैप के अंदर देखो गाइस मैं स्कूल से आता हूँ, थक जाता हूँ, खाना खाने के बाद जो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, सोता भी नहीं हूँ, सोने का अभी टाइम मिलता ही नहीं है। अभी मैं पहले तो आप व्लॉग के अंदर देखते होंगे बट अब तो वो भी टाइम नहीं मिलता, नहीं सोता गाइस अभी। फिर उसके बाद वो जैसे 2 घंटे निकलते तो 3 बजे बारी आती है मेरी कोचिंग क्लासेस की। अब मैंने कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट की है तो कोचिंग क्लासेस जाता हूँ, 3 से लगा के 5 से 6 तो उधर ही बच जाते मेरे। तो गाइस स्कूल प्लस कोचिंग तो दोनों मिला के जो मेरा आधा दिन हो गया उसमें ही। सबसे पहले रीज़न तो यही है कि मेरे जो डेली शेड्यूल है वो चेंज हो चुका है पूरी तरह बिजी हो चुका है। और ऐसे बिजी हो चुका है कि मैं मतलब मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता स्कूल में, देखो गाइस मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता, कोचिंग क्लासेस में मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं अपनी व्लॉग वीडियो बना सकता था इन 10 दिनों के बीच में। बट फिर भी मैंने व्लॉग वीडियो क्यों नहीं बनाई, मैं बना सकता था गाइस, मैं मना नहीं करो, बना सकता था, बट फिर भी मैंने व्लॉग वीडियो नहीं बनाई। अभी उसका जो मेन रीज़न है वो आप सुन। हालांकि गाइस ये जो सेकेंड रीज़न है ये मैं सोच रहा था कि आपके साथ शेयर करूं, बट सोचा कि इस द मेन रीज़न तो आपके साथ बात करनी ज़रूरी है, ये सेकेंड रीज़न जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो गाइस सेकेंड रीज़न कुछ ये है कि मेरे लगभग पिछले 10 दिन तो नहीं कहूँगा बट 1 हफ्ते से जो है मेरी मदर मतलब मेरी मम्मी की तबीयत जो है ख़राब थी गाइस। गाइस मैं झूठ मूठ नहीं कह रहा हूँ और सच्ची बात है कि मेरी 1 हफ्ते से जो मेरी मम्मी की तबीयत जो है ख़राब थी, पिछले गाइस 10 दिन तो नहीं बट 1 हफ्ते से जो मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो जिसकी वजह गाइस मैं व्लॉग वीडियो, मेन रीज़न तो गाइस मेरा यही है कि मैं व्लॉग वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था। 10 दिन तो मैं व्लॉग वीडियो बना सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है, भले मैं स्कूल के बाद आके मैं व्लॉग वीडियो स्टार्ट कर लेता या सुबह जल्दी व्लॉग वीडियो स्टार्ट कर लेता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेन रीज़न तो मेरा यही है कि मैं अब तक मैं जो है व्लॉग वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था, आखिरकार मेरी मजबूरी यही है। तो गाइस देखो मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो हेल्प करने के लिए भाई मेरे को घर पे रहना पड़ता था भाई, तो मैं घर पे ही रहा करता था, स्कूल नहीं जाता था। ओके तो सबसे मेन रीज़न तो यही था। ओके तो बस ये 2 रीज़न ही थे जिसकी वजह मैं डेली व्लॉग नहीं बना पा रहा था, मेन तो यह सेकेंड रीज़न था
बस यही था। तो बस गाइस यही बात थी कि अब तक मेरी वीडियो क्यों नहीं आ पा रही थी। हालांकि गाइस 10 दिन तक वीडियो नहीं आ रही थी, तभी मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने एक महीने से वीडियो नहीं डाली यूट्यूब पे। मम्मी की जब तबीयत खराब हुई तब मैं मम्मी की केयर करने पे लगा, तो मैंने अपनी जो स्टडी भी एक साइड रख दी, यूट्यूब भी मैंने एक साइड पे रख दिया, फिर मेन ध्यान देने लगा मम्मी की केयर पे। जब जैसे जैसे तबीयत ठीक हुई फिर उसके बाद मैं स्कूल जाने भी लगा। अभी लगभग कोई 2 से 3 दिन ही हुए मैं स्कूल जा रहा हूँ, पर मम्मी की अभी तबीयत ठीक है, नाउ बेटर। तो गाइस बस यही 2 मेन रीज़न थे कि मैं अब तक वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था। ओके, और हाँ गाइस अभी जो है कल से वीडियो वापस आनी स्टार्ट हो जाएगी। कल से मैं होपफुली पूरी ट्राई करूँगा कि मेरी वीडियो आए, ज़रूर आए। ओके, तो मैं YouTube नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं YouTube क्विट नहीं कर रहा हूँ। तो चलो गाइस बस आज के लिए इतना ही है। एक छोटा सा मैसेज था जो कि आप तक पहुँचाना था, बस ओके मैंने पहुँचा दिया है। कल से वापस अपन व्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे गाइस कल। तो चलो गाइस टेक केयर, मिलते हैं गाइस आपसे कल। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।